तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हनी शॉर्ट्स के एक और नए और कमाल के एपिसोड में। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं फैमिली के साथ में पिकनिक मनाने अजमेर। जी हाँ दोस्तों, अजमेर में अभी हाल फिलहाल में ही जो है सेवन वंडर पार्क के नाम से एक जगह है, जहाँ इस पार्क का अभी अभी ओपनिंग हुआ है। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, पीछे जो है बच्चे बैठे हैं, और दोस्तों हम निकल पड़े हैं हमारे घर से, मतलब बर से लेकर के अजमेर के लिए। तो बच्चे जो हैं लॉन्ग ड्राइव को जो है एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों मैंने इसको जो है फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। रास्ते में जो है बहुत सी जगह आई थी देखने लायक, लेकिन जो है हमने इसको शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो रखा है। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अन्ना सागर झील के पास में, अभी आप देख पा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ से जो है लगभग 7 किलोमीटर दूर है वंडर पार्क, और दोस्तों हमारे घर से जो है ये पार्क 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है। दोस्तों अन्ना सागर झील का व्यू अभी आप देख पा रहे हैं, और उसके 7 किलोमीटर बाद जो है कुछ समय बाद ही जो है हम 15-20 मिनट बाद जो है यहाँ पार्क में पहुँच गए हैं। देख पा रहे हैं गुड़िया जो है बुड्ढी माई के बाल, जो इसको आप बोलते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है ये, वो खा रही है। और दोस्तों यहाँ पर जो है कोई भी एंट्रेंस फीस वगैरह नहीं है। इसका टाइमिंग जो है दोस्तों 10 to 10 है, मतलब 10 बजे सुबह से लेकर के रात को 10 बजे तक यह ओपन रहता है। हाल फिलहाल में जो है यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी गई है, फ्यूचर में क्या होगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। फाइनली जो है हम दोस्तों अंदर आ चुके हैं पार्क के, और आईफिल टावर हमारे पीछे की साइड आप देख पा रहे हैं। इस साइड में दोस्तों यहाँ पे हमारे बच्चे हैं और मैडम हैं, और इस साइड में दोस्तों आप देख पा रहे हैं कॉलेजियम है, और उसके पीछे की साइड जो है झुकी हुई मीनार है। तो दोस्तों पार्क का जो है आपको व्यू दिखाएंगे। और इसके अंदर दोस्तों हम दोपहर में लगभग पहुंचे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्राउड जो है यहाँ पे था, मतलब दोपहर के समय इतनी भीड़ थी दोस्तों, तो शाम के समय क्या हालत होती होगी आप खुद ही देख सकते हैं। और दोस्तों स्टैचू ऑफ लिबर्टी अभी आप सामने देख पा रहे हैं, और ये अभी इसका क्लोजअप लुक लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बैक साइड में जो है धूप आने की वजह से जो है क्लियरली इतना विजिबल हो नहीं पा रहा है। लेकिन दोस्तों बहुत ही शानदार और ब्यूटीफुल जो है यह पार्क हमें लगा है। हमारी पिकनिक जो है बहुत ही अच्छे से हमने इसमें इंजॉय की, हमने बहुत ही अच्छे से जो है यहाँ टाइम स्पेंड किया। और दोस्तों यहाँ पे जो है आप वेडिंग शूट वगैरह भी कर सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पे कोई भी चार्जेज आपको देने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे जो है इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे हमने जो है फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करवाई है। यहाँ पे जो है बहुत सारे आपको फोटोग्राफर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अगला वंडर है क्राइस्ट द रिडीमर, जो कि शायद ब्राज़ील में स्थापित है। दोस्तों ये झुकी हुई मीनार और ताजमहल के बीचों बीच स्थापित है लेफ्ट साइड में, और दोस्तों सामने की तरफ जो है एकदम एंट्रेंस के जस्ट सामने जो है ताजमहल है, और दोस्तों ताजमहल के राइट साइड में जो है मिस्र के पिरामिड स्थापित है। पिरामिड के आगे दोस्तों वापस से जो है स्टेचू ऑफ लिबर्टी, और उसके आगे जो है आईफिल टावर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों पार्क ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन छोटा सा पार्क है, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से जो है इसको डेवलप किया गया है। और दोस्तों हमने जो है यहाँ बहुत ही अच्छे से जो है हमारा डे इन्जॉय किया। उसके बाद दोस्तों हमने सोचा कि यहाँ से अब जो है चला जाए और कुछ बाहर जो है नाश्ता पानी किया जाए, लेकिन उससे फाइनली दोस्तों हम जो है पार्क से बाहर आ चुके हैं। और दोस्तों बाहर आने के बाद में कुछ आगे चलते ही जो है हमने कुछ फास्ट फूड वगैरह भी ऑर्डर कर दिया है। यहाँ पे रोड साइड में ही जो है छोटे मोटे रेस्टोरेंट वगैरह भी आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, और वहीं पे दोस्तों आपको वैधानिक चेतावनी भी लिखी हुई मिल जाती है, जो कि नगर निगम अजमेर की तरफ से है। निर्देश है, उनका ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों आप लोग जो है यहाँ फोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह बना सकते हो, और जो है झील के ज़्यादा नज़दीक आपको नहीं जाना होता है। हमने जो है यहाँ अच्छे से इन्जॉय किया। उसके बाद दोस्तों मार्केट में कुछ काम था, उसके बाद हम घर के लिए निकल चुके हैं। देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर हमको जो है काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, लगभग 2-2.5 घंटे हमको लगे थे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।